हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लैनेट में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AS2 जिसका नाम है इन्वेंटरीज। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है RPSC ABSC कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, NTA NET कॉमर्स, जूनियर अकाउंटेंट और अदर एग्ज़ाम लाइक IBCC वगैरह में। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मीनिंग सबसे पहले देखेंगे कि किसे आप इन्वेंटरी कहने वाले हैं। देन हम डिस्कस करेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी कि कहाँ ये AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे कि आपको मेज़रमेंट कैसे करना है इन्वेंटरी का। उसके बाद हम देखने वाले हैं इन्वेंटरी में जो कॉस्ट है वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और किस केस में हम अपनी जो इन्वेंटरी है उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज एन एक्सपेंडिचर। और लास्ट में हम कुछ स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा मीनिंग। इन्वेंटरी के अंदर हम तीन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, फिनिश गुड्स, WIP और रॉ मटेरियल। एक शब्द में बोलें तो आपकी इन्वेंटरी है एसेट। और अगर मैं इसे ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये है आपकी करंट एसेट। इसमें फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और आपका WIP तीनों की तीनों चीज़ें इंक्लूड होगी। एक एक टर्म को मैं एलोबरेट कर देती हूँ। फिनिश गुड्स का मतलब है क्योंकि 100% आपका गुड्स तैयार है, रेडी टू सेल है और आप उसको होल्ड करते हैं सेल के पर्पज़ से अपने बिजनेस में, तो वो आपके लिए फिनिश गुड्स है। सेकंड है हमारा WIP यानी कि जो 100% से कम लेवल पे तैयार है, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग की नीड है, उसके बाद ही आप उसे सेल कर पाएंगे, तो वो आपके लिए रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस। और थर्ड रॉ मटेरियल होता है जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट को तैयार करने में जो है नेसेसरी है, तो वो आपका हो गया रॉ मटेरियल। ये तीनों की तीनों चीज़ें इन्वेंटरी में इंक्लूड होती हैं। अब चलते हैं हम नॉन एप्लीकेबिलिटी पे। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर कुछ चार केसेस हैं जो कि यहाँ AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। MCQ फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला केस है अगर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और मैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करती हूँ, डन सेल कर देती हूँ, तो यहाँ जो मेरे पास स्पेसिफिकली यहाँ WIP की बात मैं कर रही हूँ, अगर मेरे पास कुछ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड WIP है तो वो यहाँ इन्वेंटरी नहीं होगा। उस पर AS 7 लगेगा और उसका सेपरेट ट्रीटमेंट AS 7 के अकॉर्डिंग होने वाला है। और दूसरा केस है मेरा सर्विस प्रोवाइडर का। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मान लो मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने नोट्स, अपनी बुक्स को भी सेल करती हूँ, तो यहाँ जो मेरी बुक्स है वो मेरे लिए मेरी इन्वेंटरी है। अगर उन जो प्रोसेस के बिटवीन मेरे पास कुछ WIP बच गया तो मैं इसे यहाँ इन्वेंट्री नहीं मानूंगी, क्योंकि AS2 में जो है केवल टेंजिबल एसेट्स को ही इन्वेंट्री में इंक्लूड किया गया है, जबकि ये मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये इनटेंजिबल आइटम AS 26 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका। तीसरा आइटम है आपका शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़, इनका भी सेपरेट AS के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। फोर्थ है आपका लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल्स, तो इनका भी एक सेपरेट AS के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट होने वाला है। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे जो कि है मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी। कोस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी चीज़ें कम होगी उसके अकॉर्डिंग हम मेज़र करेंगे हमारी इन्वेंट्री को। तो कॉस्ट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है परचेज प्राइस, दूसरा होता है आपका कन्वर्जन कॉस्ट और तीसरा होता है अदर कॉस्ट। तो हम जो परचेज प्राइस लेंगे उसके अंदर तो सारे जो अपने कॉस्ट को लाने से लेके जो आपकी कॉस्ट लगी है उसमें से आप केवल ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, यहाँ कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा परचेज पे जो आपको मिलने वाला है। तो यह हो गया आपका परचेज प्राइस के रिलेटेड ट्रीटमेंट। देन आते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट में जब भी आप किसी प्रोडक्ट को कॉस्ट में ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल या कुछ सेमी प्रोडक्ट जो है अभी WIP है उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, तो आपको लेबर भी लगाना पड़ेगा, उस पर ओवरहेड के एक्सपेंसेस भी होंगे। उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन की जो कॉस्ट लगेगी लेबर और ओवरहेड की, वो भी यहाँ कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अब अगर मैं ओवरहेड को भी एलोबरेट करूँ तो ओवरहेड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड और दूसरा होता है अब्सॉर्प्शन ओवरहेड, जो प्रोडक्शन के जो ओवरहेड हैं वो। तो फिक्स्ड ओवरहेड का अलोकेशन हम करेंगे नॉर्मल कैपेसिटी पे। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि मैंने सोचा कि मेरे जो फिक्स कॉस्ट आने वाली है
वो 1 लाख यूनिट पे 2 लाख रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट आई है, लेकिन इन एक्चुअल मैंने ये जो यूनिट प्रोड्यूस करी है वो 1 लाख न होकर 1.5 लाख हो गई। तो अब मेरा जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ा है वो कम होगा, क्योंकि अब मैं अपने टोटल एक्सपेंसेस को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ मेरी जो कॉस्ट आएगी वो मेरे एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये मेरा फिक्स्ड अलोकेशन जो ओवरहेड है उसका अलोकेशन हो जाएगा। अब बात करती हूँ मैं प्रोडक्शन अलोकेशन की, तो जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसका अलोकेशन आपको एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे करना है, एक्चुअल में जितना लगा है उसके बेसिस पे ही यहाँ भी आपका ट्रीटमेंट होना है। अगर यहाँ जो फिक्स्ड ओवरहेड है नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना मैंने सोचा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो मुझे नॉर्मल कैपेसिटी वाला ही जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो चार्ज करना है। देन अगर मैं एनआरवी की बात करूँ तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको सोच लेना है कि आपका प्रोडक्ट कितने प्राइस में मार्केट पे बिक सकता है, क्या उसकी रिजनेबल सेलिंग प्राइस हो सकती है। वो आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से आपको क्या करना है, अपना सिलेक्ट कर लेना है प्राइस। अगर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आपकी जो सेल इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे। एनआरवी रॉ मटेरियल की आप मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि आप रॉ मटेरियल अभी उस पर और प्रोसेसिंग होगी, आपको नहीं पता उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो मार्केट में क्या होने वाली है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला है अगर आपका फिनिश प्रोडक्ट हायर देन कॉस्ट मार्केट में सेल होने वाला है, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया वो 100 रुपये की कॉस्ट मेरी आ रही है और मैं उसे मार्केट में 150 रुपये में सेल कर पाऊँगी, ये मुझे पता है मेरी एस्टिमेटेड एनआरवी है, तो मुझे अपने रॉ मटेरियल को भी एक्चुअल कॉस्ट यानी उसके अकॉर्डिंग हायर वैल्यू कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मेरी 100 रुपये की कॉस्ट का प्रोडक्ट मार्केट में 80 रुपये में ही बिकेगा, यानी 20 रुपये मुझे लॉस हो रहा है, यानी मेरा मटेरियल हो सकता है डिफेक्टिव हो, इस वजह से मैं अपने रॉ मटेरियल को भी लोअर वैल्यूड करूँगी और इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे अपने रॉ मटेरियल को वैल्यूड करना। तो ये हमने रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अगर हम WIP के ट्रीटमेंट की बात करें तो WIP में भी दो चीज़ें होंगी, एक होगा कॉस्ट, दूसरा होगा NRV। आपकी जितने परसेंटेज तक वो चीज़ कंप्लीट है टिल द डेट जो कॉस्ट है वो आपको मेज़र करनी, दूसरी तरफ आपको रियलाइजेबल वैल्यू देखनी कि आज की डेट में अगर इस जो वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट है उसको बेचे तो कितना मिलने वाला है आपको। उसमें से आप जो आपकी NRV जो फिनिश गुड्स की है, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का मैं बेच रही थी, उसका फिनिश गुड्स का वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन जो टिल द डेट उसकी कॉस्ट कितनी आई है वो कॉस्ट आपको ध्यान में है, और फ्यूचर में कितनी कॉस्ट आ सकती है। 100 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है, फ्यूचर में मेरी कॉस्ट उससे 20 रुपये और लगने वाली है, तब वो 100 रुपये के प्रोडक्ट यानी कि अभी मेरा जो प्रोडक्ट बना है वो 80% पे ही कंप्लीटेड है, WIP स्टेज पे है, तो यहाँ जो 20 रुपये और फर्दर कॉस्ट लगने वाली है वो मैं यहाँ क्या कर दूँगी, 20 रुपये में से 100 रुपये में से 20 रुपये घटा दूँगी, यानी 80 रुपये यहाँ मुझे मेरी कॉस्ट पता चल गई। तो ये हो गई आपकी WIP की कॉस्ट, 100 रुपये आपकी जो NRV की कॉस्ट थी, सॉरी यहाँ आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 100 रुपये, 20 रुपये अभी उस पर WIP है जो कि वो 80% कम्प्लीटेड है, तो 20 रुपये आपको और लगाना है उसे कम्प्लीट बनाने के लिए, ये 100 रुपये में से 20 रुपये आप लेस कर देंगे तो जो इस बार आपका जितना कम्प्लीट हो चुका है लेवल उसकी कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। दूसरे अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो ये बोल सकते हैं कि जो आपकी NRV है फिनिश गुड्स की उसमें से आपको एस्टिमेटेड फ्यूचर कम्प्लीट कॉस्ट घटा देनी है, तो आज की एक्चुअल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा मैंने जो आपको बात बताई थी कि आपको यहाँ जो आपकी कॉस्ट है उसमें हमने अदर कॉस्ट भी देखी, अदर कॉस्ट में दो चीज़ें ही आएगी, एक होगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दूसरा होगा आपका ट्रांजिट इंश्योरेंस। यहाँ आपको जो गोडाउन का रेंट है, स्टोरेज कैपेसिटी का जो आपका कॉस्ट लग रहा है वो इंक्लूड कॉस्ट में नहीं करना है। तो यहाँ जो भी आपकी NRV और कॉस्ट दोनों में से जो लोअर होगा वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट होने वाली है। फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट को। दो तरह के नेचर की इन्वेंट्री मेरे पास हो सकती हैं, एक वो गुड्स जो कि मैं कस्टमाइज तैयार करती हूँ, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग मैं उनको दे देती हूँ। दूसरा मेरा एक प्रोडक्ट ऐसा है कि हर बार मैं सेम तरीके का प्रोडक्ट बना रही हूँ जिसे मैं बैच प्रोडक्शन में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ जो मेरे कॉस्ट का मेजरमेंट होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपके पास नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, यानी हर बार क्या करते हैं आप चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट में, तो स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। हर बार आपको एक हर एक ट्रांजेक्शन के लिए क्या करना है, अलग से कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ आपकी कॉस्ट हर बार क्या होने वाली है, चेंज होने वाली। दूसरा जो मेथड है उसमें हम सेम प्रोडक्ट हर बार बना रहे हैं, यहाँ मेरे पास दो अप्रोचेज हैं, एक हिस्टोरिकल, दूसरा है मेरे पास नॉन हिस्टोरिकल।
स्टोरी कल्प की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें दो मैथड है, फीफो मैथड और वेटेड एवरेज। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो मेरा पहले आया मान वो पहले चला जाएगा। वेटेड एवरेज में हर एक यूनिट की रेस्पेक्टिव जो वैल्यू होगी उसे मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया जाएगा, टोटल वेट को लेके उसे डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से मेजर कर सकते हैं हम। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मैं नॉन हिस्टोरिकल अप्रोच को अडॉप्ट करती हूँ, तो यहाँ मेरे पास दो फिर से सब ऑप्शन हैं। एक है रिटेल प्राइस को मैं मेजर करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज़ कर सकती हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर मैं रिटेल प्राइस को यूज़ करती हूँ जो कॉस्ट है उसको आइडेंटिफाई करने पे, दो क्वेश्चन है मेरे पास। पहले तो मैं इसको यूज़ कैसे करने वाली हूँ, तो मुझे एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होगा, एडजस्ट करना होगा मेरे जीपी के साथ। चूँकि मेरा प्रोडक्ट हर बार सेम है, तो मैं उसका एक ग्रॉस परसेंटेज ले लूँगी और उसे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूँगी कि मुझे इतना मार्जिन चाहिए। ऐसा किस केस में मैं कर सकती हूँ, जब मेरे प्रोडक्ट में क्या हो वेराइट, जब मेरे यूज़ जो है व्हेन देयर आर वाइड वेराइटी, मेरे पास बहुत सारी वेराइटी लेकिन मैं हर प्रोडक्ट पे सेम मार्जिन अपने पास रख रही हूँ। मान लीजिए मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, 7% प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ मेरा मार्जिन सेम है, वेराइटी डिफरेंट है, तब मुझे रिटेल प्राइस के मैथड को यूज़ करना है। लेकिन अगर मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट के मैथड को अडॉप्ट करना है, तो मुझे अपनी सेलिंग प्राइस को, मटेरियल, लेबर, ओवरहॉल, इन सब को क्या करना है, रेगुलरली रिव्यू करना है, उसके बेसिस पे मुझे अपनी रिवाइज करनी है प्राइसेस को। और ये मैं तब करूँगी जब मेरे पास प्रोडक्ट क्या हो सिमिलर हो लेकिन मार्जिन डिफरेंट हो, तो यहाँ मैं अपना जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को लगाऊंगी। तो आपको आई होप सो ये समझ में आ गया कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगला टॉपिक है मेरा इन्वेंट्री को कब मैं मान लूँगी एज एन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ तीन केस में आप इन्वेंट्री को एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। जब आपने गुड्स को बेच दिया, तो यहाँ आपको सेल्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हो गया और जो आपकी कॉस्ट लगी थी अब वो आपके लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगी। इसी वजह से एक तरफ हम ट्रेडिंग में सेल दिखाते हैं, दूसरी तरफ हम परचेज दिखाते हैं, COGS दिखाते हैं। तो ये आपकी P&L और ट्रेडिंग का पार्ट बनेगा। और दूसरा केस हो सकता है जैसे कि मैंने बताया मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 है और मार्केट में वो 80 में बिक सकेगा, यानी कि अब मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उससे भी ज़्यादा, उसका सेल्स वैल्यू क्या है उससे कम है। तो यहाँ उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, सेल्स वैल्यू कम होने से उसकी जो रेवेन्यू में कमी आई है, उस कमी को मैं एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट करने वाली हूँ। और इसे भी हम P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाएंगे। व्हेन रिडक्शन इन NRV, तो ये आपकी NRV में रिडक्शन का ट्रीटमेंट हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस है अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को क्या कर लिया है, कैपिटलाइज कर लिया है, उसका बेनिफिट मुझे मोर देन 12 मंथ्स बाद मिलने वाला है, तो उसका डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर बन जाने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार स्पेशल केस इन्वेंटरी के रिलेटेड। पहला केस मैंने आपको ऊपर के एग्जाम्पल में भी बताया, दो चीज़ें, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को इन्वेंटरी वैल्यूएशन में आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि आप जल्दी पेमेंट कर दें, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि आप इन्वेंटरी को बल्क में परचेज करें। इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को इन्वेंटरी के वैल्यूएशन के टाइम कंसिडर करेंगे। दूसरा केस है मेरा कन्वर्जन ऑफ PPE, यानी अगर मैंने मेरी इन्वेंटरी को कन्वर्ट कर लिया है PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, तो AS10 के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा देखना होगा। अगर मैंने एक, मान लो मैं बिजनेस कर रही हूँ जिसमें मैं पुरानी कारें खरीद, पहले नई कार खरीदती हूँ, 5 साल उसे रेंट पे चलाती हूँ, 5 साल के बाद वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हूँ, और मेरे जो कस्टमर है वो काफ़ी रॉयल क्लास है और महंगी गाड़ी ही यूज़ करते हैं, अच्छी जब कंडीशन हो गाड़ी की तब तक लेते हैं, तो बाद में मैं क्या सोचती हूँ कि 5 साल चलाया गाड़ी को और अब मुझे बेच देना चाहिए। इस तरह मैं हर साल कुछ गाड़ियाँ खरीदती हूँ और जब 5 साल हो जाते हैं तो बेच देती हूँ, फिर नई गाड़ी खरीदती हूँ बेच देती हूँ। ये मेरा बिजनेस बन चुका है कि मुझे सेकंड हैंड गाड़ियाँ, अपनी सेकंड हैंड गाड़ियाँ मैं बेचती रहती हूँ, ये मेरा रेगुलर रूटीन बिजनेस बन चुका है। इस वजह से क्या हुआ, जो मेरी एसेट्स थी वो मेरी इन्वेंट्री भी बनती जा रही है। इस वजह से मुझे इनका ट्रीटमेंट AS10 के अकॉर्डिंग देखना है। और यहाँ आपको साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन सच PPE इज सोल्ड रेगुलरली आफ्टर यूजिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ सच PPE शैल बी बुक्ड एज। तो आपको ऐसे PPE को बुक करना है इन्वेंट्री, और कैसे करना है, ग्रॉस बेसिस पे करना है। तीसरा केस है स्पेयर टूल और इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं PPE में। तो अगर आप इस तरह के किसी स्पेयर टूल और इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन। अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी है AS10 की,
तो क्या करना है, आपको ट्रीट करना है उन्हें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी आपने उनको 12 महीनों से ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपके लिए एसेट है, कैपिटल एसेट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने कंडीशन फुलफ़िल नहीं की है AS-10 की और 12 महीनों से कम टाइम के लिए आपने उसे होल्ड किया है, तो यहाँ वो आपके लिए एक्सपेंस क्या बन जाएगा, AS-2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री बन जाएगा। अलोकेशन है हमारा अगला क्वेश्चन है। एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट, जिसमें हम सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट एक ही प्रोसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट बना देते हैं। उससे कुछ उस प्रोडक्ट के जो आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके दौरान क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के बन जाते हैं। इन प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा कॉस्ट से कम प्राइस पे क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। तो ये जो आपके प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप कम प्राइस पे सेल करने वाले हैं, इन्हें हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये इनकी स्टैंडर्ड और जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी क्या है, कम है। और ये तो हुआ इनका ट्रीटमेंट। जो बाय प्रोडक्ट और जो आपको जो जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी जो मेन मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अब इनका ट्रीटमेंट देखते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट को आपको जो टोटल कॉस्ट है उसको कन्वर्जन कर देना है रेशियो के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी सेल्स वैल्यू है। यहाँ दो चीज़ हो सकती है, एक होता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाएँ, और दूसरा अगर आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्शन तो उस अकॉर्डिंग आप रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ क्या कर देंगे, जो आपकी कॉस्ट है जॉइंट प्रोडक्ट की वो यहाँ आइडेंटिफाई कर देंगे और देन अलोकेट कर देंगे। दूसरा केस है बाय प्रोडक्ट के केस में। चूँकि मैंने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया कुछ कम प्राइस पे, तो वहाँ से जो मेरे को रेवेन्यू मिला वह मैं अपनी एक्चुअल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना उसमें से डिडक्ट कर दूँगी। उससे जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी और पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी मेरे प्रोडक्ट की कम आएगी। तो ये हो जाएगा मेरा बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट। बाय प्रोडक्ट में यहाँ लिखा भी है मेजरमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट एट NRV, यानी नेट आपको जो रियलाइजेबल वैल्यू हुई है आपको NRV को डिडक्ट कर देना है। जो कॉस्ट किसकी है, मेन प्रोडक्ट यानी जॉइंट प्रोडक्ट की जो मेन कॉस्ट है उसमें से आपको बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेस कर देना है, तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी आपके जो जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी। आई होप सो इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से AS-2 को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला, कुछ अच्छे से आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट और आगे के वीडियोस सीरीज़ में भी हम आने वाले और AS को भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।